नमस्कार दोस्तों, न्यूज एजेंसी इंडिया डॉट कॉम की टीम आज उदयपुर स्थित गानेराव घाटी पर स्थित एक म्यूजियम में आई हुई है। आप इतिहासकार जोगिंदर सिंह जी राजपुरोहित हैं यहाँ पे। ये बताएंगे कि किस तरीके से प्रोटोकॉल के तहत या सामान्य एक हाव भाव के तहत जब राजा सामान्य व्यक्तियों के बीच में आता था या अपनी सभा में आता था या कहीं पे भी जाता था, तो किस तरीके से पहले मुनादी करवाई जाती थी, किस तरीके से पहले आवाज़ दी जाती थी, क्या क्या उपमाएं लेके उनको पुकारा जाता था। आपने अब तक टीवी में मुगल कालीन काफ़ी उपमाएं देखी होंगी कि किस तरीके से अकबर आ रहा है तो किस तरीके से मुनादी करवाई जाती थी। तो इसी प्रोटोकॉल के तहत मेवाड़ में किस तरीके से क्या क्या उपमाओं के साथ में राजा को पुकारा जाता था ताकि जो सामान्य व्यक्ति हैं वो जान सकें कि राजा आ गए हैं और राजा कितने वैभवशाली हैं। इस बारे में हमारे मित्र बताना चाहेंगे, जोगेंद्र जी राजपुरोहित जो यहाँ पे हैं उदयपुर के इतिहास के बारे में काफ़ी बड़ी जानकारी रखते हैं। ये आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से मेवाड़ में राजाओं का संबोधन किया जाता था, उनके आने से पहले किस तरीके से क्या आवाज़ें दी जाती थी, किस तरीके से हिला पाड़ा जाता था, इस बारे में जोगेंद्र जी बताएंगे। सर नमस्ते। जो महाराणा जिस समय दरबार में पधारते थे, दरीखाना होता था, विशेष उत्सव होता था, तो एक जने की विशेष ड्यूटी होती थी छड़ीदार की। वो छड़ीदार जो है उनमें आवाज़ लगाता था ताकि शांति छा जाए सभा में, सभी अलर्ट हो जाएं और सभी अपनी अपनी सीट के पास व्यवस्थित खड़े हो जाएं। उसमें कोई भी ऐसा असम्मानजनक मुद्दा नहीं हो कि जिससे महाराणा की साख को कमजोरी लगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था। न्यूज़ एजेंसी इंडिया का आभार। ये हमारे मित्र भी हैं दिनेश जी भट्ट, तो इनके कहने पे इन्होंने कहा कि हिस्ट्री सभी जने पढ़ते हैं, तो ये कोई इस तरीके का भी मुद्दा हो जिसको लोग इंटरेस्ट लें कि कैसा होता था, क्या होता था। कभी कभी मजाक में लोग बाग भी कहते हैं शहनशाह आलम जहाँ बना ये मुगल दरबार में होता था। तो ये प्रोसेसिंग हर दरबार हर राज में होता था, उनकी उपाधियाँ वगैरह सब लगती थी और उनको बुलाया जाता था। तो एक इंटरेस्टिंग था, इसलिए इन्होंने मुझे कहा। तो मैंने एक महाराणा भोपाल सिंह जी कालीन कागज़ निकाला, क्योंकि ये वंश जो है प्रोटोकॉल से संबंधित है, तो उसमें वो ओके ओके आता था, इसको ये बोलना है। छड़ीदार पढ़ा लिखा नहीं था तो उसको ये बताया जाता था कि ये आपको बोलना है, उसको रटता था और उसके बाद वो ऐलान करता था। ये क्षणिक होता था जिस समय बिल्कुल अलर्ट है। उन्होंने अपने सारे जेवर जवेरात कपड़े पोशाक इत्यादि उस मौके के हिसाब से पहन लिए। उसके बाद जैसे ही वो आ रहे हैं, तो जैसे वो ड्योढ़ी से निकले हैं, तो इस समय वो जो है गणेश ड्योढ़ी पे खड़े हैं या किसी जगह जो व्यवस्थित है जहाँ पर खड़े हुए हैं, तो उसके बाद ये बोला जाता था। वो तेज आवाज में बोलता था और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। ताम झाम सुनहरी बार बान, हिंदुस्तान हिंदुआ सूरज, एक लिंग अवतार इंद्र सवारान बहादुर, हर कदम सदा उमर दौलत ज्यादा, निगाह रोशनी शाम दो लगती, सोने की चराग रुपए की गुलधानी, बोलता चोपदार रोशनी का जुआर, बनवाज शलामा रोशनी शाम, दौलते मदाम बर हर एक मोहम्मद अलाओ सलाम, 5,000 साल पागड़े जे दोस्त खुशहाल, दुश्मन पेहमाल इंद्र सवारहान बहादुर, खेंगला खेग रोशन रका पैक दम भूपत सवारान बहादुर, कजली बन गज सुनेरी होदे पर इंद्र सवारान बहादुर, आगू से बढ़ाओ जाओ तेज कदम राखो जवान, सरोने सरह बहादुर। अर्थात उनका रिसाला आगे चल रहा है, तो लास्ट में उस सिराला को रिसाले को कहा गया कि आप चलते जाइए, उनके साथ के जो व्यक्ति हैं अधिकारी संबंधित वो उसको टेकल करते थे। ये इतनी समय होता था, वो कदम दर कदम वो चल रहे हैं और जब तक वो दरबार में पहुंचेंगे उस समय ये पूरी की पूरी ख़त्म होगी। फिर सबके साथ उनकी नजराना दस्तूर या जो भी उनका वो होता था उसके बाद। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने देखा कि उपमाओं के बारे में जब भी बात की जाएगी, राजाओं के बारे में जब भी बात की जाएगी, तो कम से कम मैंने ये देखा कि एक पेज भर कर उपमाएं थी। जब राजा अपने कक्ष से बाहर निकलते थे तो जो उनके जो सेवक थे उनको इस तरीके से बताया जाता था कि
हमारे राजा कितने महान हैं और वो कहीं भी जा रहे हैं तो उनको प्रॉपर तवज्जो दी जा सके, यही एक प्रोटोकॉल का हिस्सा था, यही एक तरीके का हेला था। इसी तरीके की उपमाओं का संबोधन मेवाड़ राज्य में और किया जाता उस था। समय उनको इतना समय मिल जाता था कि जैसे बाई चांस किसी की बेल्ट लूज है तो उस समय उसको कमरबंदा है, कटार आड़ी लगी हुई है, तो वो एक बार व्यवस्थित हो ले, ये उसका प्रोटोकॉल ये था। बहुत बढ़िया जानकारी दी हमारे मित्र जोगिंदर जी राजपुरोहित ने। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नमस्कार, न्यूज़ एजेंसी इंडिया.com, उदयपुर। थैंक यू।